तो फॉर्मूलेस की हमारी ये ग्रुप क्लास में, जहाँ पे हम सारे फॉर्मूले एक ही क्लास में कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मतलब कि जो मैथमेटिकल है या लॉजिकल ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कि यहां पे हम करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी है इसमें, और पावर, एक लास्ट पावर जो शिफ्ट के साथ सिक्स दबाने से आता है। अब क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या है कि अगर मेरे यहाँ पे 20 और 30 है और मुझे इसको सम करना है, तो सम करने के लिए आपके पास इनबिल्ट सम फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सम करने के लिए। इनबिल्ट सम के फॉर्मूला है, सम कर सकते हैं। लेकिन 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 ये जो सम है, अब बोले जैसे सम लगाना नहीं सिखा रहा, बेसिकली मैं एक इनबिल्ट फॉर्मूले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके फॉर्मूला मेनू बार में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए सारे फॉर्मूले अवेलेबल हो इसकी गारंटी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि आपने बाय किया एक प्रोडक्ट, मान लीजिए 500 रुपए में, और आपने सेल किया 560 रुपये, तो प्रॉफिट का कितना परसेंट शेयर हुआ। अब इसके लिए, परसेंट शेयर के लिए आपको एक फॉर्मूला है या नहीं है इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है। मैथमेटिक्स कहता है कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, राइट। तो यहां पे हम करेंगे सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, तो 12% का आपका आया। ये परसेंट में से हम कन्वर्ट कर दीजिए, आपका 12% का कैलकुलेशन आएगा। तो ये जो मैथमेटिकल एग्जाम्पल है वो हम इसको यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, एकदम आसानी से। इस तरह की जो भी कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशन को आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है कि और क्या कर सकते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं आपके साथ, मतलब कि एक बड़ी कैलकुलेशन को कैसे इसमें सॉल्व करें, एक बड़ी कैलकुलेशन को। जैसे मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, मेरे पास टाइम है, और मुझे इसमें अमाउंट कैलकुलेट कर। 50,000 मान लीजिए हमारे पास, मेरा प्रिंसिपल है, रेट मान लीजिए हमारा 10% है इंटरेस्ट रेट, और टाइम मान लीजिए 5 साल का है, तो क्या होगा अमाउंट। तो बेसिकली अमाउंट का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जो कि आपने 8th और 9th में या 10th में पढ़ा होगा, वो कुछ इस तरह से होता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस r डिवाइड बाई n पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाई n, ओके। तो अब इस कैलकुलेशन कैसे करें, तो जब भी इस तरह की बड़ी कैलकुलेशन हो उसको टुकड़ों में करें। जैसे इक्वल 1 प्लस ब्रैकेट। अब देखिए जब भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कोई भी इस तरह की चीजें करते हैं तो ध्यान रखिएगा बोर्ड मास मेथड जो होता है उसको जरूर यूज कीजिएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया 1 प्लस r डिवाइड बाई n, n मतलब 12 मंथली है, इसलिए ईयरली होगा तो 1, क्वार्टरली होगा तो 4, इस तरह से ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जो आता है टी मल्टीप्लाई बाई एन, तो यहाँ पे टाइम हमारा हो गया 5 और मल्टीप्लाई बाई हमने 12 कर दिया, ये आ गया। अब इन दोनों का पावर निकालना है, तो
इन दोनों का पावर हम पावर सिंबल शिफ्ट के साथ सिक्स दबाएंगे तो पावर सिंबल आता है, मतलब कि आपको 10 स्क्वायर करना है तो इक्वल 10 और यहाँ पे 2 कर दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। ओके? अब इसके बाद इसमें हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट आपके सामने आ गया 82,262। अब इसके लिए हमने बहुत लंबी कैलकुलेशन की, इसके लिए हमने बहुत लंबी कैलकुलेशन की है, तो इसके लिए कुछ ऐसा हो कि ये लंबी कैलकुलेशन ना करना पड़े, तो हम इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर वन बाय वन हम जो है इसके अंदर मर्ज करते हैं। और एक मिनट, यहाँ पे करना था ना, ये कौन सा था हमारा B11, तो B11 यहाँ पे है, तो जहां पे B11 है वहां पे B11 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया और फिर सेम C11 का जो फॉर्मूला है वो भी, और मैंने बताया था कि ब्रैकेट्स यूज करना है वुड मास मेथड के लिए, तो ब्रैकेट में हमने इसको डाल दिया। फिर ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन को लेते हैं और हम यहाँ इसके अंदर डाल, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, कि आप फॉर्मूले को स्प्लिट करें और लगाए फिर उसको अभी सबको डिलीट करके एक जगह पे हम इसको कट करके रख देते हैं, कट करके ले जाइएगा कॉपी नहीं, कट कॉपी करके ले जाइएगा तो फॉर्म आपका जो रेफरेंस चेंज हो सकता है, इसलिए कट करके ले जाइए, यहाँ से चेंज हो गया ना यहाँ पे, तो अब कट करके मूव करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो फिर देखिए नहीं होगा। ये थी हमारी फॉर्मूला ऑपरेटर्स में हमने बात की थी मैथमेटिकल, इस तरह से बहुत सारे मैथमेटिकल एग्जाम्पल किए जा सकते हैं, इसका यूज आप कर सकते हैं। अब मैथमेटिकल एग्जाम्पल के बाद हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जी हाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर मैं करता हूँ इक्वल ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हुए। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स दिया हुआ है कि 85, 35, इस तरह से हमने कुछ सेल्स दिए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये चेक करना कि कौन ग्रेटर देन 50 है, तो आप बोलेंगे इसके लिए हम इफ लगाते, जी नहीं, हमें जस्ट चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 कौन सा है, इसको सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन 50 कर दिया, एंटर प्रेस किए, देखिए आपका ट्रू आ जाएगा अदरवाइज फॉल्स आएगा। आपको इस ट्रू एंड फॉल्स को अगर ओके पेंडिंग इस तरह अपने खुद के रिजल्ट में देना है, देन हम इसके अंदर इफ लगाते हैं और इफ जो कहता है कि यहां पे आप ऑपरेशन मत दीजिए, यहां पे दीजिए ट्रू या फॉल्स। अगर आप ट्रू देते हैं तो हम ए वाला जो पोजीशन है उसको शो करेंगे, फॉल्स देते हैं इसको शो करेंगे, लेकिन क्या होता है कि हम लोग दो अलग अलग सेल पे ना लगा के हम यहाँ पे इसके अंदर कंबाइन कर देते हैं, इस तरह से। अब यहां पे ध्यान रखिए, ए जो है ऑपरेशन जो मैंने लगाया है दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इफ, ए इंडिविजुअल है, यहां हम इसको मर्ज कर रहे हैं इफ में, यहां मर्ज कर रहे हैं। अब इसका और क्या बेनिफिट है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा जो हम जनरली टेस्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, चलिए उसी की हम बात करते हैं यहाँ पे, जिससे अब आपको ऑपरेशंस और अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास सेल्स है और मुझे यहाँ पे क्वांटिटी जो है मेरे पास यहाँ पे 40 रुपीज पर क्वांटिटी का देना है इफ ग्रेटर देन 60, मतलब कि अगर सेल्स की क्वांटिटी 60 से ज्यादा है तो मुझे 40 रुपीज पर क्वांटिटी देना है, मतलब कि सब में 40 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसको, जो 60 से ऊपर है, 60 से नीचे वाले को नहीं करना है, कुछ इस तरह से। तो बोलेंगे सर इसके लिए तो हम इफ लगा लेंगे, जो इफ को जानते हैं वो जनरली बोलेंगे कि सर इसके सिंपल है कि मैं यहाँ पे इफ करूंगा और इसको ग्रेटर देन 60 तो सेल्स C13 मल्टीप्लाई बाई 40 अदरवाइज 0, सिंपल है, लगा लेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे।
लेकिन अगर इसी काम को मुझे बिना इफ यूज किए हुए, अब ध्यान रखिएगा, इसी काम को मुझे बिना इफ यूज किए हुए लगाना है, कैसे लगाएगा बिना इफ यूज किए हुए? तो इसके लिए यहां हम फॉर्मूला देंगे सिंपल सा कि इसको हम करेंगे ग्रेटर देन 60, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स। और एक्सेल के अंदर में जो ट्रू होता है ना वो 1 होता है और जो फॉल्स होता है वो 0 होता है। अब किसी ने इस पे आप सवाल उठाया कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप जनरली ट्रू एंड फॉल्स को मैथमेटिकल ऑपरेटर से प्लस कर दीजिए, जो कि यहां देख रहे हैं हमने यहां पे प्लस कर दिया। ओके, अब मैं 2 ट्रू करता हूं तो देखिए 2 आएगा, 1 ट्रू पे हमारा 1 आएगा, इसका मतलब कि ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0 होता है। और मैथमेटिक में किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे वो नंबर आता है और 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आता है और 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। तो मल्टीप्लाई बाय हम इसको कर देते हैं नंबर, तो ट्रू 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई करते 85 आ गया और जो 0 होगा वहां पे 0 आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमने यहां पे जो लेस देन 60 है ना उसको एक जगह अलग से अलग कैटराइज कर दिया, 0 कर दिया और फिर वापस इसी को मल्टीप्लाई बाय 40 कर दीजिए, तो जो 0 होगा उसी पे जो होगा उस रिजल्ट आएगा ना, जो 0 नहीं होगा उस पे रिजल्ट आएगा, सिंपल। तो यहां पे इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। ये थी हमारी लॉजिकल ऑपरेटर एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब चलिए हम बात करते हैं लॉजिकल फॉर्मूले की। लॉजिकल फॉर्मूले, जैसे कि मैंने अभी आपको इफ के बारे में बताया कि इफ का क्या रोल है, तो इसमें चलिए और भी चीजें उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मुझे पता करना है कि एक 60 है तो मुझे 500 का इंसेंटिव देना है, अदरवाइज 100 का इंसेंटिव देना है। मतलब मुझे बी कॉलम में इंसेंटिव देना है अगर सेल्स जो है ग्रेटर देन 60 हुआ और लेस देन 60 पे मुझे 100 देना है। इसके लिए सिंपल हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और इसी के अंदर ऑपरेशन देंगे कि लेस देन नहीं ग्रेटर देन, माफ कीजिएगा, ग्रेटर देन 60 हुआ तो 500 यहां पे 100, सिंपल। हम नीचे ड्रैग कर दीजिए आ गया। तो इसका, तो जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका तरीका है कि आप इक्वल कीजिए और उस फॉर्मूले का इनिशियल लेटर को लिखिए, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले आ गए। अब जो फॉर्मूले को आप सेलेक्ट करना है उसके लिए आपने एरो की को अप एंड डाउन कीजिएगा तो उस पर सिलेक्शन होगा, और जो आपका फॉर्मूला सिलेक्ट होगा यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, उसका डेफिनेशन या उसका एक शॉर्ट नोट्स। टैब की को प्रेस कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई होगा और नीचे जो दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं साइन टेक्स्ट, कि इस फॉर्मूले के अंदर में क्या क्या इनपुट्स है। जैसे कि इस फॉर्मूले के अंदर में 3 इनपुट्स है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स, और अगर ट्रू आया तो इस पोजिशन को शो करेगा, फॉल्स आया तो इस पोजिशन को शो करेगा। अब यहां पे एक चीज देखिए, जो सिंटैक्स है, हालांकि ये चीज बीवी में अप्लाई होता है, जो सिंटैक्स है वो स्क्वायर ब्रैकेट में है, बड़ी ब्रैकेट में, हम लोग बिहार में इसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में है, और जो लॉजिकल टेस्ट है सिंपल है। इसका मतलब है कि लॉजिकल टेस्ट आपका रिक्वायर है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मैं फॉर्मूले से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट मुझे देना ही पड़ेगा। लॉजिकल टेस्ट जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। सो लॉजिकल टेस्ट देना ही है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रेटर देन 60, अब कॉमा दिया, अब मैं वैल्यू ट्रू या वैल्यू फॉल्स ना भी दू फिर भी यहाँ पे रिजल्ट डिफॉल्ट आएगा, दूंगा तो रिजल्ट आएगा अदरवाइज आपका डिफॉल्ट आएगा। ये सारे फॉर्मूले में होते हैं, जैसे वी लुकअप लगाइए, वी लुकअप के अंदर भी आपका रेंज लुकअप होता है, ऐसे आप सब्स्टिट्यूट लगाइए तो सब्स्टिट्यूट के अंदर भी आपके सामने इंस्टेंस नंबर लॉजिकल ब्रैकेट में।
अब चलिए कुछ और कंडीशंस को देखते हैं, जैसे कि अगर मुझे 5280 हुआ तो मुझे यहाँ पे 500 देना है, अदरवाइज यहाँ 100 देना है। तो यहाँ पे हम एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपके पास मोर देन वन कंडीशन होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, लेस ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 है, तो वहां पे हम एंड फॉर्मूला लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन इक्वल टू 50, वापस इसको सिलेक्ट किया और लेस देन इक्वल टू 80। तो A2 इज ग्रेटर देन 50 एंड A2 इज लेस देन 80। अब मैं यहां तक एंटर प्रेस कर रहा हूं तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। तो ये जो एंड है और है, दो फॉर्मूले होते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। एंड जो होता है वो रिक्वायर्ड कंडीशन लेता है और जो और होता है वो ऑप्शनल लेता है। अब यही पे मैं दे देता हूं कि इफ अगर एंड ऐसा हुआ और एंड का रिजल्ट ट्रू आया तो 500, अदरवाइज 100। एंटर प्रेस किए, कर्सर नीचे गया, सिंपल सा रिजल्ट आपके सामने आ गया, अरे 500 है। इस तरह से मान लीजिए कि मेरे पास डेज है और डेज में मेरा सैटरडे संडे है, मैं चाहता हूँ सैटरडे संडे आए तो कुछ और सो, जैसे मैं चाहता हूं कि यहां पे सैटरडे संडे हुआ तो मुझे यहां पे W/O शो करना है और रेस्ट ऑफ में आपको ओपन शो करना है। तो यहां पे क्या है कि सैटरडे एंड संडे एक ही सेल में होगा, ये फिक्स नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है। तो यहां हम देते हैं फॉर्मूला और का, और हमने बोला कि ये सैटरडे है, सैटरडे है कॉमा, अगेन इसको सेलेक्ट किया और बोला संडे है, और नीचे ड्रैग कीजिए, जहां पे सैटरडे संडे मिलेगा वहां पे ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अब यहां पे हम अगेन इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे ट्रू हुआ तो यहाँ पे W/O कीजिए, अदरवाइज ओपन कीजिए, सिंपल, और कर्सर को नीचे की तरफ ड्रैग कर। लेकिन जब कंडीशंस हमारे ये नहीं होंगे, मतलब कि अलग होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कि अगर लेस देन 50 हुआ, यहाँ पे लेस देन 50 हुआ तो मैं देना चाहता हूँ 1000, ग्रेटर देन 80 हुआ तो देना चाहता हूँ 200, मतलब 1000 नहीं 100, और 50 टू 80 में मैं देना चाहता हूँ 500। तो यहाँ पे एंड नहीं ले सकता क्योंकि कंडीशंस हमारे अलग अलग है, तो उसके साथ अलग अलग रिजल्ट भी है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में देंगे इक्वल इफ, इसको सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि क्या ए ग्रेटर देन 50 है, ऐसा हुआ तो एक और इफ लगेगा कि क्या ए लेस देन 80 है, अगर ऐसा हुआ तो 500, अदरवाइज 200। अब 200 सेकेंड इफ का फॉल्स पार्ट, सेकेंड इफ तक आ गया, इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 50 है, अदरवाइज यहाँ पे 100। इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं क्योंकि एक इफ में आप एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं लगा सकते। सेम यहां भी होगा कि मान लीजिए कि मैं सैटरडे हुआ तो मुझे हाफ डे शो करना है, संडे में ऑफ, बाकी डे में ओपन करना है। अब तीन चीजें हो गई, तो यहां पे हमारा और फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा फॉर्मूला हमारा नेस्टेड इफ का, इफ अगर इक्वल टू सैटरडे हुआ तो यही पे शो कर दो HD, अदरवाइज अगेन इफ चलेगा, अगर इक्वल टू संडे हुआ तो शो कर दो ऑफ, अदरवाइज ओपन, और यहाँ पे एंड प्रेस कर, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से एंड और लगा सकते हैं। अब आती है कि स्लैब अगर लगाना हो तब क्या करेंगे,
जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम देते हैं कि हमारे पास सेल्स है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर 0 to 40 मतलब कि लेस देन 40 हुआ तो 500 देना है, 40 to 80 हुआ तो 1000, 81 to या 80 कर लीजिए 82, 100 हुआ तो 2000, अदरवाइज ग्रेटर देन 100 हुआ तो 2000, यहाँ पे 5000 कर देता हूँ। अब इस स्लैब कैसे लगेगा, तो देखिए यहाँ पे हर नंबर के लिए कुछ ना कुछ है, एवरी नंबर के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो यहां हम करेंगे इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ अगर ए लेस देन 40 हुआ तो 500, फिर इसी के अंदर दूसरा इफ कि अगर ए लेस देन इक्वल टू या लेस देन कर लीजिए 80 हुआ तो 1000, फिर अगेन इफ अगर ए लेस देन 100 हुआ तो 2000, फिर अगेन इफ लगाया, इसको सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू नहीं लेस देन ग्रेटर देन 100 है तो यहां पे 5000, और एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से हम नेस्टेड इफ को लगाते हैं। हालांकि लेटेस्ट फॉर्मूला में इसके लिए हमारे पास IFS इफ्स का जो है रोल है। इसमें क्या होगा कि मुझे एक लॉजिकल टेस्ट देना है कि भाई ए लेस देन 40 है तो 500, इसमें बार बार मुझे इफ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर लिया कंडीशंस कि 80 है तो 2000, फिर वापस इसको सिलेक्ट किया तो बोला कि अगर ए लेस देन 100 है तो 2000, फिर इसको सिलेक्ट किया कि ग्रेटर देन 100 है तो 5000। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं आप यहां पे। अब इसमें एक चीज और आता है, जैसे कि इसमें अगर स्विच है, मतलब कि आपको अगर मान लीजिए कि 1 है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सिक्वेंसली दिया हुआ है, 6 है, सिक्वेंसली दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 1 आए तो पूजा दिखे, 2 आए तो कुछ और नाम दिखे, 3 आए तो कुछ और नाम दिखे, तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे कोड है तो वी लुकअप ना लगा के आप यहाँ पे चूज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। चूज में आपको बस यहाँ पे दीजिए बस वैल्यू 1 आ गई, कॉमा सेकेंड कॉमा, इसको इन्वर्टर कॉमा यहाँ लिख भी सकते हैं आप, रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन ए 1 नहीं हुआ, मतलब कि आपको अगर यहाँ पे 1 हुआ तो दिल्ली शो करना है, 2 हुआ तो पुणे सेलेक्ट करना है, 3 हुआ तो नोएडा सेलेक्ट करना है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट है आपका कोड। तो यहां पे हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ आ रही है सर। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ आ रही है सर। चलिए शुरू करें। Yes, sir. चले, इसमें जो अगला ऑप्शन है
तो यहां पे हम लगाएंगे स्विच का फॉर्मूला, स्विच, स्विच फॉर्मूले में इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा। अब यहां इनवर्टर कॉमा में लिख दीजिए कि वन वन हुआ तो यहां पे एक्सप्रेशन इसको सेलेक्ट कर लिया और बोलता हूं कि वन वन हुआ तो दिल्ली, टू टू हुआ तो मुंबई कॉमा मुंबई कॉमा, थ्री थ्री हुआ तो नोएडा। और यहां पे इसको कॉमा कर अंडर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है सर, तो स्विच फॉर्मूला और यहां पे हमने ये दिया हुआ है। आगे बढ़े इसमें, अब ये लॉजिकल फॉर्मूला हमारा यहां पे खत्म होता है। अब बात आती है कि लॉजिकल फॉर्मूले को यूटिलाइज कहां पे करेंगे, मैं किस तरह से इसको यूटिलाइज करेंगे। तो अभी एक बार आपका जूम बंद हो रहा है, दोबारा से आप कीजिएगा, 45 मिनट हो गए, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा तो फिर आपका आ जाएगा, दोबारा ज्वाइन कीजिए प्लीज।